जिला रिपोर्ट को स्वागत करुच्छ लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर को बुलेटिन आरंभ करवा एक दुखद खबर रूम जगत सिंहपुर तिरतुल थाना बणित गाँव में अघटन घटी विद्युत आघात बापा माँ झील प्राण हर जगत सिंहपुर जिला तिरतुल थाना अंतर्गत बणित गाँव में यह अघटन घटी विद्युत आघात गोटे पर तीन जन जीवन जाइए आउ जड़े पड़ोशी गुरुतर आहत हो जगत सिंहपुर जिला मुख्य चिकित्सा भर्ती होते आज अपराह बणित गाँवर प्रभाकर स्वाई बहु कामिनी रोसे करुवा बेले कौन कारण घर विद्युत चार्ज हो जाता माँ को बचेवा को जाए प्रथम झील पापाली जाता बेले परे बापा पिंटू स्वाई मध्य जाते कि माटी घर थी यह संपूर्ण चार्ज हो जाता यह समय उद्धार करने को जाए कुमार बर स्वाई आहत होती प्रथम समस्त निकटस्थ मणिजंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा तेज सेठे बापा माँ और झील को मृत घोषणा कर डाक्तर यह घटना समग्र अंचल में शोकाकूल परिवेश सृष्टि कर परवर्ती खबर को आसवा एणिके साबार हेबे मदुआ एथिपै ब्रह्मपुर पुलिस नुआ पदक्षेप सहर रे संध्यारु विलंबित राति पर्यंत बुलुची मदुआ धरा गाड़ी मद्यपान करी बुलुथबा अथवा निरोला स्थान रे बसी मद्यपान करथबा व्यक्ति को धरिब मदुआ धरा गाड़ी ब्रह्मपुर पुलिस रे एभली पदक्षेप को स्वागत करिसेंति सहरवासी मद पिउथिले सावधान बुलुचि मदुआ धरा गाड़ी गाड़ी आसिबो मातालंकु टेकी नेबो एणी कि महंगा पड़िबो मद्यपान करी रास्तारे बुलिबा सहर रे बुलुचि मदुआ धरा गाड़ी जेउ माने मद पी बाहर बुलुचंती सेमानकु उठाई नै गाड़ी रे पुराई देउची पुलिस पार्वण रे मदुआ को साबार करबा पई ब्रह्मपुर पुलिस पक्षरु आरंभ होईचि एभली अभिनव प्रयास दुई दिन रे मद पी बुलुथबा 50 जन को उठाई नेलाणी पुलिस सहरर समस्त थाना को सजाग करा जाइछि संध्यारु मध्यरात्र पर्यंत सहरर सबु थानार कर्मचारी ओ अफिसर माने पोइंतरा मारछुंती मदुआ को धरी थाना रे पचराउचरा करा जिबा स आदाय हेउछि जरिमाना ब्रह्मपुर एसपी साहब को निर्देश क्रमे जो पूजा पार्वण आछि तार पूर्वरु जे कोनोसी गली जगार अंधारिया जगार निछाटिया जगार जो संध्या समय एकाठी होइ मद्यपान करी तापर काले कूटी गंडोल करिवे ताकु बंद करिया पई ए अभियान चलछि यही अभियान आसंता दशहरा पर्यंत चलिबो पूजा पार्वण समय रे ब्रह्मपुर रे मात्राधिक मद्यपान सह जुआ आडार आसर जमे मदुआ माने प्रबल उत्पात करिथांती निशासक्त अवस्था रे नाना विभ्राट मध्य घटाइथांती एतिर जनजीवन अस्तव्यस्त होइथाय बाजार घाट रे महिला माने विपदपूर्ण भावरे जास करथुबा मध्य नजर रहिछि एहाकु नजर रे रखी ब्रह्मपुर पुलिस पक्षर आरंभ हो मदुआ धरा गाड़ी अभियान केवल मदुआ नुहे जुआड़ी को मध्य एही गाड़ी उठाई नेउछि सेमानकठारु लक्ष लक्ष टंका भी जबत होउछि पुलिस पक्षर निया जाउथबा पदक्षेप स्वागत योग्य बोली कहिसेंति ब्रह्मपुर बासिंदा पार्वण पूर्वरु मद्यप माने साबाड़ हेले सहरवासी शांति श्रृंखला सहित रही पारिबे विशेष करी निजे मदुआ मानकर जीवन को भी मध्य जो रास्ता घाट रे केतल गाड़ी आगे केतल ड्रेन रे पड़ी जिवे से सब रो आशंका को दूर करने पई ब्रह्मपुर पुलिस ए कार्यक्रम को हाथ को नहीं चंती सेति पई आकु स्वागत जणाउछु पुलिस को धन्यवाद जणाउछु ए गोटे गाड़ी काटी समस्त को चेकिंग करथिन दिए रात यात्रा बोली करी समस्त को डकायत दल को मध्य धरिया रो सजग छिंदु नाइट पेट्रोलिंग आउडी कटाकटी करिए पुलिस प्रशासन बोले आउडी भल हे आ विशेष करी मदुआ मान जो मदबुआ गाड़ी बर्तन पुलिस प्रशासन पक्षर बाहर कर उचित पदक्षेप गाड़ी ओडिया रे बड़ बड़ अक्षर लेखा जाइछि मदुआ धरा गाड़ी प्रतिदिन संध्या हेले ए गाड़ी ब्रह्मपुर शहर रे बुलुछि विभिन्न महल रे स्वागत करा जिबा सहित असामाजिक कार्य लिप्त लोक धरवे बेस सफल बोली समस्ते आशावादी ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया मुंबई ड्रग्स पार्टी में राउरकेला लिंक क्रूज भितर रेफ पार्टी थे राउरकेलार दुईज युवक यहपर राउरकेला सहर में निशा कारबार नहीं आरंभ हो धरपगड़ सेपटे जन अभियुक्त बापा कहते पुआ मुंबई को बुलिबा को जाइथिला कोनोसी अपराध करी नाही कि ताठारो निशा द्रव्य जबत होई नाही मझी दरिया रे ड्रग्स पार्टी
मुंबई ड्रग्स पार्टी रेड मामलें गिरफ्त मध्य अच्छा राउरकेला सहर दुई युवक अभिन साहू और मनीष राजगड़िया दुहे सिविल टाउनशिप बासिंदा गिरफ अभियुक्त को अक्टोबर 11 जे रिमांड रे जेरा करिवो एनसीबी अभियुक्त अभिन का बापा कहिछंती पुओ बाहर को बुलीबा को जाइथिला से भड़ी कोनोसी अपराध करी नहीं कि ताठारु निशा द्रव्य जबत होई नहीं राउरकेला रा आउ किछि युवक ड्रग्स पार्टी रे थिबा संदेह करा जाउछि घूमना फिरना ये काम बात है उसमें घूमने फिरने के लिए कोई नहीं कर सकता कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है लड़के में ऐसा कुछ भी दोष नहीं है उसमें मगर अब कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के में सब वो भी था उन लोग फंसे हैं तो बिल्कुल घसीटा जा रहा और क्या बोल सकते हैं। हाँ मुंबई ड्रग्स पार्टी रे स्टील सिटी रो दुई युवक शामिल थिबा जणा पड़िबा परे शहर रे निशा कारबार रो गुमर खोलीछि राउरकेला रे चोरा निशा कारबार चालुथिबा बेले सेथिरे अनेक उच्च शिक्षित ओ संभ्रांत परिवार रो पिला माने जड़ित होउछंती शहर रे चालीथिबा निशा रैकेट रो पर्दाफाश करी पुलिस एक्शन नेबा दरकार बोली आईएनजीबी माने मत रखिछंती से पिलांकर हुए तो सेठी एबे धरा पड़ किंतु तार चेर मध्य बहुत समय राउरकेला देखा जाए जे एठी मध्य आपणकर किछि ड्रग्स एठी मध्य आपणकर सीज हेबार मध्य नजीर रहिछि तेणु पुलिस मध्य ए दिग सतर्क रहा दरकार तबे एनसी विभाग रिमांड आनिथिबा सह एवं यार तदंत केउं दिग कुआडुकु जाउछि ताहा उपरे समस्तिंग नजर राउरकेला शुभम प्रधान न्यूज 18 ओडिया। मरुड़ी समस्या दूर करने को लक्ष लक्ष टंकारे निर्माण होउछि उठा जलसेचन प्रकल्प हेले अभियोग होउछि जे प्रशासन अवहेला एवं ठिकादार मनमानी जो आरंभरु अचल हो पड़ी उठा जलसेचन प्रकल्प देवगढ़ जिला तेलेबड़ी ब्लक सुगुड़ा पंचायत गुंडुरीपोषी गाँव सामनाकु आसी एभली घटना पानी पंप माटी मिशिला तो अनाबना गछ भितरे हजिगला अन्यान्य जंत्रपाति दस वर्ष तले प्राय 10 लक्ष टंका व्ययरे प्रकल्पटि निर्माण करा जायथिला अभियोग हेउछि निर्माण परठु एहार लाभ उठाई परुना हंती चासी केवल छति कि नुहे पानी पाइप जेउ भली बिछा जायछि ताहा लाभ देबनी बोली मध्ये चासी संदेह करिछन्ते एने विभाग अधिकारी को बारंबार जणाइथिले मध्ये समस्या प्रति केही ध्यान देउनुथुबा अभियोग करिछन्ते चासी अन्यपटे आसंता 4 दिन भितरे एही प्रकल्पर मरामति करा जिवो बोली कहिछन्ते उठा जलसेचन विभागर सहकारी जंत्री गुंड्रीपोषी गोहिरा नाल रे आमर लिफ्ट एरिकेशन बसी थिला दीर्घ 6-7 वर्ष हलानी जेतेबेला ट्रायल कला परे फाटी जाई तापरे दीर्घ दिन पई सेटा नष्ट होइगरी पड़ जी बर्तन से तार कार्यकारिता हे पारु नाही तेणु आमर जदि ठीक मीडियम जगार जदि कामडा सुचारू रूपे कले आमे बहुत गुडिया चासी उपकृत हे पारिबो आज्ञा आमर जो लिफ्ट पॉइंट तक बार बार खराब हेबा जोगो आमे ऑफिसर को कंप्लेन देवा सत्वे ऑफिसर आपन को आप अभियोग सुनवान नाई आमे काना दाबी रखो आमर लिफ्ट पॉइंट आसी किना जे कोनसी प्रकारे बसई दो आ चासी भाई बहन आमे उपकृत हे चास करिवो सर खुंटी गोटे भांगी जाइछि स्पान गोटे नाही ताको ए वर्ष चलित वर्ष सरकार मरुड़ी जो सब एल आई पॉइंट को विद्युत संजोग करने को निर्देश देते हिसाब से आम टीपी डीओ डब्ल्यू एल संस्था एकजुन को सागे आलोचना कर लिस्ट देने गोटे गोटे रिभाइव करदे तीन दिन भर करदे। बरगढ़ जिले में संकट में प्राणी संपद कलापाणी गाँव में व्यापी फाटुआ रोग गाई गोरों मुहर बाहर फेण बरगढ़ सदर ब्लक कलापाणी गाँव में यही मारात्मक रोग व्यापार जो अधिकांश गाई गोरु छटपट होता बेले आउ किसी जीवन सह संग्राम करुछन्ते प्राणी संपद विभाग पक्षर चिकित्सा कराऊनुवा अभियोग करिछन्ते लोके संकट प्राणी संपद केउ गाई गोड़ खुरारे घा होइछि पुनी काहा पाटीरु फेण बाहरुछि किछि गाई नाकरु बाहरुछि रक्त एमिति अवस्था जे छिड़ा होइ पारनाहंती गाई गोरु ये दृश्य हूँ बरगड़ सदर ब्लक कलापाणी गाँवर गत 2 सप्ताह धरी बरगड़ ब्लक कलापाणी गाँ समेत विभिन्न गाँव में फाटुआ रोगर प्रादुर्भाव देखाई शह शह गाई गोरु यही मारात्मक रोग से आक्रांत अभियोग हो प्राणी संपद विभाग को अवगत कराइले कौन पदक्षेप नि जहाँ चाषी बढ़ुच्च असंतोष गाँ मान टीका ना देवार
खुरा बाजि जाइए बहुत असुविधा हो महा लगे गुड़े लगे खाई पी ना पार्बार आ प्रशासन भी किसी पदक्षेप ना नवार गवर्नमेंट अवेलेबुल ना वैक्सीन ना मिलवार तल बोले तो कहले आज्ञा आ जनता बतेजन है बोले सफा रफा करूँ आम आज्ञा भी आसुजन देखी आफा सफी कर गाँ गाँव व्यापिला फाटुआ रोग हेले एहाकु रोकिबा नै पदक्षेप निया जाउनी रक्त नमूना संग्रह करी भुवनेश्वर पशु रोग गवेषणा केन्द्र को काहीकि पठा जाउनी से ने प्रश्न उठिलाणी गत वर्ष मध्य एभली स्थिति सृष्टि होइतला चलित वर्ष मध्य एभली अवस्था देखि हजि जाइछि चासिंग निद अन्य पटे वैक्सीन आसीबा परे गाई गोरुंकु दिया जिवो सेहि परि संक्रमण रोकिबा पई विहित पदक्षेप निया जिवो बोली प्राणी निरीक्षक कहिछन्ति एटा बेमारटा स्टार्ट हलान एटा पाटवार जे गाई खाद्य कहीं ना पार्बार कि पानी भी पी ना पार इटा जदि एंता जदि हवा बोले ये बेमारटा स्प्रेड हेबार बहुत चांस मैंने रोचे स्प्रेड हेले आम गाँव रहा जितकी गाय अच्छा सबको यहाँ बेमारटा चापी जावा गला बर्ष भैक्सीन आम टाइमली से दे देलु यथर भैक्सीन एभेलेबुल ना होबार लगे बोलकर आज्ञा आम नुहे पारूँ आमर एथर एफ एम डी भैक्सीन नुहे आसे एफएमडी वैक्सीन ऊपर आसले हमको इनफॉर्म करले हमें माने संगे संगे वैक्सीन ता दे दम तुरंत समस्या प्रति ध्यान दिया न गले आगामी दिन रे जिला प्राणी चिकित्सा विभाग कार्यालय घेराव करा जीवो बोली चेतावनी देछंती ग्रामवासी बरगड़ सदर ब्लॉक कोलापाणी ग्रामरु रंजन कुमार देवता न्यूज 18 ओडिया। नुआपड़ा सदर ब्लॉक नाटवाट गाँव में बराह शिकार करी मांस भाग बंटन समय वन विभाग चढ़ाऊ बराह मांस को जबत करने सहित चार शिकारी को गिरफ्त कर नुआपड़ा वन विभाग गत काली टाटनुआट गाँव में बराह शिकार होता नुआपड़ा वन विभाग निकट में खबर रही आज बराह मांस भाग बंटन होता खबर पाई नुआपड़ा वन विभाग अतर्कित चढ़ऊ कर घटनास्थल तीन के जी बराह मांस जबत होता बेले बराह शिकार में व्यवहृत एक देशी बंदूक गोटे टांगिया निकितीय सामग्री को जबत करा दैछि। वरिष्ठ ऑफिसरों के ठारु खबर मिलला ते कानोट जे आमर बराह शिकार हेछि सेति पई आमे नुआपड़ा रेंज रु गोटे टीम कानोट गांव अभिमुख बाहरी थेलु सुरेश विश्वाल नामक जणे व्यक्ति घर को अतर्कित चढ़े कर चढ़ करवा समय सेठे बारह मंस भाग बंटा कर देखल और चारज व्यक्ति को अटक रखिल। लखीमपुर खेरी घटन कांग्रेस साधारण संपादक प्रियंका गांधी को गिरफ प्रतिवाद में प्रदेश कांग्रेस कमिटर विक्षोभ प्रदर्शन भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छक विक्षोभ प्रदर्शन करी केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को निंदा करी कांग्रेस यहसह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशपुतलिका दाह कर विक्षोभ में कांग्रेस वरिष्ठ नेता सहित छात्र महिला और युव कांग्रेस सामिल होते मृत चाषी परिवार को न्याय न मिलवा पर्यंत आंदोलन जारी रहिबो बोली प्रदेश कांग्रेस पक्षर चेतावनी दिया जाइछे। प्रियंका गांधी को कोर्ट अरेस्ट करा जाइछि तांको अटकै दिया जाइछि कांग्रेस दल केवल नुहे सबु दल सबु परिस्थिति रे भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए जो दल रही बात देले समस्ते आज राजरास्ता को अगणतांत्रिक भावे जेकि राष्ट्रीय आमर जेकि महासचिव प्रियंका गांधी के जो भाई अरेस्ट करागला ताकु राज्य महिला कांग्रेस निंदा करुछि। महालयारे पितृपुरुष को पिंडदान कर स्वतंत्र परंपरा जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बीरजा पीठ से नाभी गाँव में पिंडदान देखा मिलता श्रद्धालु भिड़ ए दूर दूरांतर श्रद्धालु आसी पितृपुरुष को पिंडदान करिछन्ते सेपरि शारदीय दुर्गा पूजा पाई मध्य मंदिर परिसर होई उठिछि चलचंचल। महालय अवसर रे पितृपुरुष को पिंडदान पाई श्रद्धालु को भिड़ विश्वास रहिछि आजिर दिन रे जाजपुर अधिष्ठात्री देवी माँ बीरजा मंदिर नाभी गया पीठ से पिंडदान कले पितृपुरुष को स्वर्ग प्राप्ति होइथाए खास एथिपाई जिला और राज्य बाहर रु हजार हजार श्रद्धालु पिंडदान करी माँ बीरजा दर्शन करछंती एभली तिथि रे पिंडदान कले 21 पुरुष जाए मोक्ष प्राप्ति हुए बोली विश्वास रहिछि। नाभी गया और शिर गया पाद गया
ଏବଂ ତ୍ରିଗୟା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ନାଭିଗୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଗଦାଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା କହିବ ଦେବୀ ଦେବୀ ମହାଦେବୀ ତ୍ୱଙ୍ଗଦେବୀ ପିତୃରୂପିଣୀ ତେଣୁ ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ ଏଠି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ପିଣ୍ଡ ପାଇନଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଏ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପିଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେପଟେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତି ପଦଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାହ୍ନରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ରଥ ପୂଜାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ହାତ ରଥ ଗଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିବ ରଥ। କରୋନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେବଳ ସେବାୟତ ଓ ପୋଲିସ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରଥ ଟଣା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ଏଥିରେ ଆମମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ 2 ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଜାରି କରାଯିବ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିବେ ସେଠି ଆମେ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବୁ, 144 ଲଗାଇବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିବେ ଆପଣ 5 ଆଉ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ସେ କରିପାରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରଥରୁ ଦୂର ଠିଆ ହୋଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ରଥ ଉପରେ କିଛି ବି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବାର କି କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମିସନ୍ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଧବଳମୁଖୀ ବେଶକୁ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହାଳୟା ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ବା ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାଳୟ ପାଇଁ ବେଶ ଭିଡ଼, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସବୁଦିନିଆ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶକୁ ମାଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହାଳୟ ଦିନ ପିତୃପକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଗଙ୍ଗାରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଏହି ବେଶକୁ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କଠାରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୁଡ଼ ବରା ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏଇଟା ବର୍ଷକ ଥରେ ଏଇଟା ମା ଧବଳ ବେଶ କରାହେସି, ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ବେଶ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ରାତିନୁ ମାର ବେଶ କରସୁଁ, ଆଉ ରାତି 2:30 ଆମେ ଏଥର ସାଇଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଘରେ, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିସାରିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡ ତ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେନି, ପିଣ୍ଡଟି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଯିବା ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲୋକ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ବିସର୍ଜନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ବା ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରହି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ମା ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶୁଭ୍ର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବେଶ ଉତ୍ସୁକତା। ମାଙ୍କ ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ମୁଁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଳୟ, ମାଆଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ମହାଳୟ ଦେଲା ପରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରୂପ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମହାଳୟା ତିଥି, ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ
ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି। ଏଇ ବେଶକୁ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବେ ଗଙ୍ଗା ଯାଇକରି ବୁଡ଼ ପକେଇକରି ଆସିବାଟା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏଇ ମହାଳୟା ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ବୋଲିକରି ଆମର ଅଛି ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ଏହି ଦିନକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆତୁର ଆବେଗ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆଗେଇବ। 14 କିମ୍ବା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାସହ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁଜରାଟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଭି ଆମର ଏକ ଲଘୁଚାପ ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଆନ୍ଦାମାନ ନର୍ଥ ଆନ୍ଦାମାନ ସି ମେ 10 ଅକ୍ଟୋବର କା ଆସପାସ ଫର୍ମେସନ ହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଇସ୍କା ଫିର ଆଉର ବି ମୋର ମାର୍କ ହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଆର୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ 4-5 ଡେଜ୍ ମେ ଇସ୍କା ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ କା ତରଫ ରହେଗା। ଆଭି ଆମର ଆଗଲା।